हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकनी तिलकुट की रेसिपी। ये तिलकुट काफी कोकनी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है और कोकनी लोग बहुत इसे पसंद करते हैं और बनाने में भी ये बिल्कुल आसान है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे लेंगे मिर्ची। यहाँ पे हमने सूखी मिर्ची ली है और यहाँ पे हमने ये काले वाले तिल लिए हैं, लहसुन लिया है छिला हुआ और यहाँ पे धनिया, जीरा, यहाँ पे साबुत जीरा भी हमने यहाँ पे लिया है। ये सारी चीजें हमें तिलकुट बनाने के लिए लगने वाली है। जितने तिल हमने यहाँ पर लिए हैं 100 ग्राम, उतनी हमें 100 ग्राम मिर्ची लेनी है। आपको बताऊंगी यहाँ पे हमने सूखी हुई मिर्ची ली है और सूखी हुई मिर्ची हमने जो यहाँ पे ली है वो कश्मीरी मिर्ची का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर ये बेडगी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मिर्ची ली है इसलिए कि इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है कश्मीरी मिर्ची का, इसलिए मैं, और तीखे में भी कम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये मिर्ची का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम मिर्ची को भूनेंगे। इसके पहले मैंने मिर्ची को धूप में पूरा दिन सुखाया है और सूखने के बाद इसकी डंडी निकाल दी है। मिर्ची को हमें लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट भून लेना है। हमने मिर्ची के 2 हिस्से कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने आधी मिर्ची प्लेट में ही रख दी है और आधी मिर्ची हम भून रहे हैं ताकि अच्छे से इवनली क्रिस्पी हो जाएंगी मिर्ची भूनने के बाद। सारी मिर्ची को हमने भून लिया है और अब हम उसी बर्तन में तिल भून लेंगे। यहाँ पे हमने 100 ग्राम काले वाले तिल लिए हैं और इसको भी हमें लो फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। देखिए अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। बर्तन में हम धनिया भी भून लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे धनिया लिया है और धनिया के साथ हमने 1 टेबलस्पून यहाँ पे भर के जीरा लिया है। दोनों चीजों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। इसको भी हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इसकी खुशबू जैसे ही आ जाएंगे हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और भूनने का रीजन यह है कि हमारा जो तिलकुट है ये खराब नहीं होगा और अच्छा खुशबूदार बनेगा, इसलिए हमें सारी चीजों को भून कर लेना जरूरी है। धनिया और जीरा को भी हमने भून लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो मिर्ची है इसको हमें पीसना है। मिक्सी के जार में हम इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं। मिर्ची को हमने पीस लिया है और इसका हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने तिल लिए हैं तो तिल को भी हमें पीस कर लेना है। इसको भी हमें दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है। भी हमने पीस लिया है और अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने जीरा और धनिया जिसको हमने भून कर लिया था इसको भी हम दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। जीरा और धनिया का हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया है और अब हम यहाँ पे लेंगे लहसुन। लहसुन के हमने 2 गड्ढी छील कर इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको भी हमें मिक्सी के जार में पीसना है। देखिए इस तरीके के 2 लहसुन हमने यहाँ पे लिए है और इसके छिलके उतार कर हमने ये बीज को हमें पीसना है। देखिए लहसुन को भी हमने मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो यहाँ तिल लिए है तो तिल को भी हमने पीसा था, इसी में हम ऐड करेंगे ये मिर्ची का पाउडर। सारा मिर्ची का पाउडर हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद जीरा धनिया का पाउडर भी हम ऐड करेंगे और इसी में हम ये अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी और इससे जो चीजें बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अच्छे से मिक्स किया है और ये लहसुन जो है इसमें, तो ये लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे और हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है लहसुन को। इसमें कोई नमक का इस्तेमाल नहीं होता है, नमक नहीं डाला जाता है। अगर हम नमक इसमें डालेंगे तो इसमें नमी आ जाएगी और नमी की वजह से तिलकुट खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे।
तरीके से तिलकुट को बनाना है। हमने इसको अच्छे से लहसुन को मिक्स कर लिया है और अब हमारा ये तिलकुट बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको इस तरीके की ग्लास वाली हमने बॉटल यहाँ पे लिए, एयर टाइट बॉटल है ये, तो इसमें हम भर कर रख सकते हैं और ये सालों साल तक भी चलता है। तो इसको आप फ्रिज में रखेंगे फिर भी अच्छा रहेगा और ऐसे ही बाहर भी रखेंगे फिर भी अच्छा रहेगा, बस इसमें नमक ऐड नहीं करना है। इस तरीके से हमने ग्लास बॉटल में तिलकुट को फिल कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप ड्राई बॉटल में अच्छे से इसको एयर टाइट बॉटल में भरकर रखेंगे तो तिलकुट को 6 महीने तक भी कुछ भी नहीं होगा, साल तक भी ये चल सकता है। तो इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।